अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राजकुमार है, मैं हिंदू कम्युनिटी से हूँ। मैं शुरू में बलूचिस्तान में रहता था, उसके बाद मेरे साथ ये टीबी का मसला हो गया, फिर मैं यहाँ पे आ गया, भी मैं कराची में शिफ्ट हो गया हूँ, यहीं पे रहता। ये मेरे हादसे में हुई थी, मुझे टीबी हो गई थी तकरीबन आज से 12 साल पहले। वहाँ पे गांव में सही इलाज नहीं करवाया तो यहाँ पे आ गया। तो जैसे यहाँ पे पहुँचा, डॉक्टरों ने चेकअप वगैरह किया तो मेरा नीचे वाला हिस्सा पैरालाइज हो गया। फिर डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया कि भाई अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर तकरीबन 2-3 साल हमारा हॉस्पिटल में गए, यहाँ वहाँ जो किसी ने बोला सब तरीके आजमाए। फिर आखिर में आगा खान वालों ने बोला कि भाई हम आपका ऑपरेशन करेंगे, एक हफ़्ते के अंदर पैसे अरेंज कर सकते हो। तो फिर हमने पैसे में से अरेंज कर दिए, एक हफ़्ते में ऑपरेशन करवाया। वो भी डॉक्टर ने बोला कि सही होने का चांस नहीं है, लेकिन ये है कि जो अंदर पस पड़ा हुआ है अगर वो नहीं निकालेंगे तो ये आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो भी ख़त्म कर देगा। तो बस जैसे तैसे, पहले मेरे घर वाले ऑपरेशन के लिए राज़ी नहीं थे क्योंकि सब लोगों ने बोल दिया था कि कमर का ऑपरेशन नहीं करवाओ, पूरी ज़िंदगी अपाहिज रहोगे। फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि वो तो सही, नीचे वाला हिस्सा तो ख़त्म हो गया, अगर आप नहीं करवाओगे तो ऊपर वाला हिस्सा भी ख़त्म हो जाएगा, तो आप ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा आपको। फिर ऑपरेशन करवाया, फिर बस अल्लाह के आसरे इलाज करवाया। फिर डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी का मशवरा दिया कि फिजियोथेरेपी करवाओ। फिर बस फिजियोथेरेपी कराते रहे, इससे करते करते तकरीबन 10 साल लग गए इसमें। 10 साल तक पूरा मैं घर में कैदी था, बिल्कुल चलने फिरने वाला बंदा अचानक यहाँ पे अपने पैरों पे खुद आया था दिखाने डॉक्टरों के पास, और अचानक रात को मेरा ऐसा नीचे वाला हिस्सा ही पैरालाइज हो गया। बस अल्लाह के आसरे था, और कोई सहारा भी नहीं था, बाप भी नहीं था, भाई भी नहीं था, 3 बहनें, बहनों की भी शादी करवा दी अभी, पहले नहीं की हुई थी, बड़ी की हुई थी, 2 छोटी थी उसकी नहीं की हुई थी। उसके बाद जब डिसेबिलिटी के बाद फिर 2 बहनों की भी शादी हो गई, तो अभी मैं और अम्मी अकेले रहते हैं घर पे। बाकी ये है कि जो नॉर्मल लाइफ थी उसमें इसमें तो बहुत फ़र्क है। वो तो चलता फिरता बंदा आपको पता है कैसे होता है, और अचानक चलता फिरता बंदा अचानक बेड पे आ जाए तो उसके ऊपर क्या होती है। बस ऐसे ही समझो साइको में बंदा चला गया था। तो फिर बस वही हॉस्पिटल वही घर, वही हॉस्पिटल वही घर, फिर बस वही पूरा रोज़ यही दुआ करता था कि अल्लाह अभी ज़िंदगी ख़त्म ही हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि मेरी वजह से मेरी माँ भी कैद हो गई थी घर में, वो बिल्कुल 5 मिनट के लिए भी घर से बाहर नहीं जा सकती थी। अगर कहीं जाती भी थी मंदिर वगैरह तो फिर वही लोग सवाल करते थे कि बेटा किसके आप छोड़ के आई हो। तो फिर बस यही अजीब अजीब सवालों की वजह से फिर अम्मी ने घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया, फिर वही घर में ही रहती थी। तो मैं बस अम्मी को देखता था पूरा दिन, अम्मी भी मेरे साथ कैद है तो ये कौन सी ज़िंदगी है। बस यही दुआ करता रहता कि अम्मी अभी मैं चला जाऊँ तो अच्छा है। अम्मी बोलती थी नहीं नहीं ऐसा नहीं बोला करो, अल्लाह पाक तुझे सेहत देगा, हिम्मत देगा, तू आगे भी बढ़ेगा इंशाल्लाह, तू पूरी दुनिया घूमेगा, तू टेंशन नहीं ले। बस उसकी दुआएं ने रंग लाया। यहाँ फिजियोथेरेपी कराते कराते तकरीबन 10 साल मैंने फिजियोथेरेपी घर में करवाई। तो डॉक्टर ने जो मेरा फिजियोथेरेपी था ना, उसने मुझे सलाह दी कि डाओ हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे फिजियोथेरेपी फ्री होती है, सही है ना, तो वहाँ पे फ्री हो जाएगी। आप रोज़ 300 रुपये भर रहे हो, पैसे भी नहीं अरेंज पा रहे हैं। तो मैं डाओ हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पे फिजियोथेरेपी वालों ने, तो फिजियोथेरेपी तो फ्री हो गई थी वहाँ पे। तो उसके बाद फिर मुझे जूते बनवाने थे, तो जूते भी डॉक्टर साहब ने बोला यहीं पर आपके फ्री में बन जाएंगे। तो जूते बनाने के लिए गया तो उन लोगों ने मुझे मना कर दिया कि आप हिंदू हो, आपका ज़कात फार्म नहीं होगा, तो इसीलिए आपको पैसे भरने पड़ेंगे। तो मैंने बोला चलो सही है, फिर पैसे भरते हैं यहाँ। तो पैसे हमने भर दिए। फिर यहाँ पे एक आंटी बैठी हुई थी, उसने बोला एक माजूर शख्स है वो वहाँ पे आता है, सबकी माजूरों की हेल्प करता है, डिसेबल है वो भी ना, तो आप उससे रब्ता करें, वो आपके जूते फ्री में बनवा देगा। तो मैंने बोला अभी हमने पैसे भी भर दें, अभी क्या फ़ायदा उसके पास जाने का। वो भी बोलेगा 6,000 रुपये की बात थी, वो भी मना कर देगा। तो उसने बोला नहीं आप एक बार बात तो करके देख। तो फिर मैं गया वो उसके पास, उसका नाम हुसैन भाई था, उससे मैंने रब्ता किया। मैंने बोला मुझे जूते बनवाने हैं ना एफोर्ड, तो उसने बोला कोई मसला नहीं हम बनवा देंगे। मैंने बोला हम अभी हमने पैसे यहाँ पे भर दिए हैं ना, तो अभी ये वापस करवाने। बोलते ये पैसे तो आपके वापस नहीं हो जाएंगे, आप अगर पहले बोलते तो हमारा दूसरा भी इदारा आया, आप वहाँ से हम फ्री आपको करवा देते। तो फिर पूरी हिस्ट्री हुसैन भाई ने मुझसे वहाँ से पूछी कि आपको क्या हो गया था, क्या सीन हुआ था, आप तो माशाल्लाह स्मार्ट लग रहे हो, कहीं बाहर वगैरह जाते हो नहीं। तो मैंने बोला नहीं कोई हेल्पर वगैरह आया ही नहीं, तो पूरा दिन घर पर ही रहता हूँ, वर्जिश कराता हूँ, वॉक करता हूँ, घर पे ही रहता हूँ, बाहर नहीं निकलता हूँ। उसने बोला नहीं है आप बाहर निकलो, क्यों नहीं निकलते, हमारा इदारा है, हमारे इदारे में आओ आप। हुसैन भाई ने उसी टाइम हमें भेज दिया। मैंने बोला मेरी फिजियोथेरेपी तो फ्री हो जाएगी, उसने बोला सब कुछ हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लें। सर जावेद से मिला यहाँ डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में,
जेकब लाइन में, वहाँ पे आया तो सर जावेद ने मेरी काउंसलिंग की, सर रियान था, उन लोगों ने बताया कि आप आ जाओ। तो यहाँ पे मसला आने का यही था कि मेरा वही यूरिन और स्टूल का मसला था ना, इसी डर से भी मैं बाहर नहीं निकल पाता था, वही बैग लगाना होता था, स्टूल का भी एक टाइम टेबल नहीं होता था, तो डर रहता था कि बाहर जाऊंगा कोई पेशाब ना आ जाए, कोई ये मसला ना हो जाए। तो फिर यही मैंने यहाँ पे भी यही सवाल किया, उन लोगों ने बोला कि आप यहाँ पे आया करो ना, मैंने बोला यहाँ पे तो आऊँ लेकिन ये मेरे मसले हैं, इस वजह से मैं नहीं आ सकता बाहर नहीं। बोलता ये मसला कुछ भी नहीं, आपको मैं सर जावेद ने मुझे बोला, मैं आपको टिप बता रहा हूँ, उस पर आप ट्राई करो, इंशाल्लाह आपका एक महीने में मसला हल हो जाएगा। तो ये मेरा स्टूल का मसला था, वो भी सर जावेद ने मेरा तकरीबन एक डेढ़ महीने में वही मसला मेरा हल करवा दिया। पेशाब कभी मैं भी डर लेता था कि यार बाहर जाऊंगा यूरिन आ जाएगा, फिर कैसे, जब मेरी अम्मी होगी साथ तो ही टेंशन नहीं, अगर अम्मी नहीं होगी तो मैं कैसे करूंगा। तो फिर यहाँ पे आने के बाद, फिर जब यहाँ का माहौल देखा, यहाँ का सिस्टम देखा, यहाँ पे आने के बाद ऐसे समझो ना, एक डिसेबिलिटी में अपनी भूल गया कि मैं माजूर हूँ। यहाँ पे मैं अपने काम खुद करता था, मेरा यूरिन स्टूल का भी मसला हो गया, अभी अल्हम्दुलिल्लाह ना मैं अपना बैग लगाता हूँ, हम अपनी टाइमिंग है जैसे नॉर्मल बंदे की टाइमिंग होती है, ऐसे माशाल्लाह बिल्कुल सही हो जाता है। पर यहाँ आने के बाद चेंजिंग ये हुई ना कि बाहर निकलने का एक जो ख्वाब था ना मेरा कि मैं ज़िंदगी भर नहीं निकल पाऊँगा, और यहाँ आके आगे ये मेरा ख्वाब पूरा हो गया। मैं यहाँ आते ही माशाल्लाह मुझे इस्लामाबाद का टूर करवाया, यहाँ तो माशाल्लाह साल के ऐसे समझो 12 महीने में टूर होते ही होते हैं, कभी कहाँ का टूर है कभी कहाँ का टूर है। पहले तो मैं 6 क्लास पढ़ा हुआ था यहाँ पे, मैंने एजुकेशन भी अपनी हासिल की, अभी 9 मैट्रिक के पेपर भी दे रहा हूँ, आज भी मेरा फर्स्ट पेपर है अखलाकियात का, आज मैं जाने जा रहा हूँ 1 बजे पेपर देने अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर भी सिखाते हैं, बहुत एक्टिविटी होती है यहाँ पे, फिजियोथेरापी भी मेरी फ्री फिजियोथेरापी भी होती है यहाँ पे करवाते हैं जी हाँ। यहाँ पे जो खाने का सिस्टम होता है ये सारा मैं देखता हूँ, तकरीबन यहाँ पे 100 से 150 लोगों का रोज़ खाना बनता है, ये पूरा सिस्टम मैं ही देखता हूँ, सामान लाना, क्या आज बनवाना है क्या नहीं बनवाना है, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, तीनों टाइम का। पहले मैं यहाँ पे यूज़र आया था, अभी माशाल्लाह एम्प्लॉई हूँ मैं, अपनी सैलरी लेता हूँ यहाँ से। भाई पहली तो यही मशवरा है सबके लिए, जैसे मैंने खुद को ज़िंदगी भर कोसता रहता था ना घर पे कि अभी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो पहले सोच हटा दो, पहले पॉजिटिव सोच रखो कि सब कुछ जैसे नॉर्मल बंदे कर सकते हैं ना, हम भी ऐसे ही कर सकते हैं, बस सोच बदलनी पड़ेगी सही है, खुद में हिम्मत लानी पड़ेगी, बाहर निकलना पड़ेगा सही है। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, जब तक आप मुश्किलों से लड़ोगे नहीं ना, तब तक आसानी नहीं आएगी सही ना। अभी हर बंदा यही चाहता है कि घर बैठे मुझे सब कुछ मिल जाए, ये तो नहीं होता है, बंदे को थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है सही है, थोड़ी मुश्किलें उठानी पड़ती है, उसके बाद तो आसानी आसानी है। किसी भी ज़िंदगी, किसी बंदे की भी ज़िंदगी आप देखो नॉर्मल नहीं है, हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात तो हैं, लेकिन हिम्मत रखो आगे बढ़ो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला रास्ते खुद ही निकाल लेता है। बिल्कुल मेन मसला तो यही है, जैसे घर में अगर सपोर्ट नहीं मिलती है ना तो बंदा ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। अगर डिसेबल बंदे को घर में अगर सपोर्ट मिल जाए ना, घर वाले अगर सपोर्ट करें, जैसे मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट किया, तभी आज मैं बाहर निकला हूँ, अकेला आ रहा हूँ अकेला जा रहा हूँ, क्योंकि उसकी सपोर्ट है मेरे साथ ना, क्योंकि शुरू से ही मुझे पॉजिटिव सोच दे रही थी, आप घूमोगे फिरोगे, आप हर जगह पर जाओगे, आप ये भी कर सकते हो ये भी कर सकते हो। घर पे क्या होता है ना, डिसेबल बंदे को सब कुछ यही बोलते हैं, ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये अभी क्या करेगा, ऐसी ऐसी बातें करके ना, जो थोड़ी बहुत हिम्मत होती है उसमें वो भी ख़त्म हो जाती है, वही सोचता है कि यार वो सही बोल रहे हैं, मैं तो नहीं कर सकता। लेकिन उसको हिम्मत देनी चाहिए कि ना तुम, आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि उसको बोलना हिम्मत देनी पड़ेगी। जब तक घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तब तक उसकी ज़िंदगी आसान नहीं होगी। थैंक यू।